हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनु फूडी एंड ट्रैवलर। माय नेम इज़ अनु और आज हम लोग हैं गोवा के, नॉर्थ गोवा के शैक्स में। तो दो फेमस शैक्स जो गोवा में, दो फेमस बीच जो है वो है बागा और कलंगुट। ये तो मस्ट विजिट बीचेस है, स्पेशली नाइट टाइम में, क्योंकि यहाँ का जो नाइट लाइफ है वो अलग ही होता है। तो अगर आप गोवा में आके रहते हो तो ये दो बीचेस नाइट में ज़रूर विजिट करना, बिकॉज यहाँ पर आपको अलग ही एटमोसफियर देखने मिलेगा। तो ये है हम लोग कलंगुट बीच में जो है चेल्सिया शैक में। इसमें हम लोग ने जो लिया पहला मॉकटेल विच इज़ पिना कोलाडा। अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हो तो आप ये देख सकते हो कि मोस्टली मैंने जितने भी रेस्टोरेंट्स विजिट किया है गोवा में, उसमें से मैंने लिया है ऑलवेज पिना कोलाडा, क्योंकि मुझे उसका टेस्ट काफ़ी पसंद है। इट्स अ मिक्सचर ऑफ पाइनएप्पल जूस एंड कोकोनट मिल्क। यहाँ का जो टेस्ट था वो ओके था, नॉट दैट गुड। ये सेकेंड डिश विच इज़ प्रॉन्स गोल्डन फ्राई। उन्होंने हमें ये सजेस्ट किया कि हम ये खा लें, दिस विद मेयोनीज सॉस, दिस इज़ विद द मेयोनीज सॉस। मस्त कैंडल लाइट टाइप सेट करते हैं वो लोग टेबल पे और सामने बीच, तो ये अलग ही एक एनवायरनमेंट रहता है बागा और कलंगुट पे अगर आप रात को यहाँ पे विजिट करते हो तो। तो ये डिश काफ़ी अच्छा था, कॉस्ट वाइज सिंपल, उतना डिफरेंस उतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है कलंगुट का ये जो शैक है चेल्सिया उसका। अगर आप यहाँ पे आते हो तो यू कैन ट्राई दिस शैक। यहाँ पे बाकी जितने भी रेट्स है, जैसे कि अगर आप कॉकटेल्स लेते हो या कॉकटेल्स नहीं तो भी आप कुछ भी, जैसे यहाँ पे काजू फिन लेते हो, तो यहाँ पे कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम है कम्पेयर टू अदर शैक्स। ये शैक का प्राइस नहीं है यहाँ पे। अगर आप नॉर्मली शैक्स विजिट करते हो तो बहुत कॉस्टली रहता है जो फूड है उसका, जो डिशेस है ऑलमोस्ट 700-800-900 ऐसे ही रेंज में आपको मिलता है, स्टार्टिंग ही कुछ 700 से। बट यहाँ का जो प्राइस है मुझे काफ़ी बेटर लगा कम्पेयर टू अदर शैक्स। तो यू कैन ट्राई दिस वंस। लेट्स एन्जॉय द नाइट व्यू ऑफ वाटर्स कलंगुट बीच का, इट्स वेरी ब्यूटिफुल। ये तो पूरा कलंगुट बागा बीच है, ये फुल आप कलंगुट बीच जाके पूरा वॉक करके अगर आप बागा आते हो तो काफ़ी, मतलब 15-20 मिनट्स का वॉक है, लेकिन ऐसे आने में ही मज़ा है, बाहर रोड के थ्रू ना आए। बिकॉज अगर आप कलंगुट बीच पहुंचते हो एंड देन यू कम बाय वॉक टू बागा, तो आप सारे शैक्स देखते देखते आ सकते हो, और आपको जिस भी शैक में जाके बैठना है अकॉर्डिंग टू योर विश आप डिसाइड करते आ सकते हो। अगर आप रोड के थ्रू आते हो बाहर से तो आपको नहीं समझ में आएगा कि आप कहाँ जाना है, तो प्री डिसाइड करके आना पड़ेगा। बट यहाँ पे आपको एटलीस्ट सब व्यू मिल जाएगा कि रात को सारे शैक्स कैसे दिखते हैं। कुछ कुछ शैक्स बहुत ही ज़्यादा प्यारे रहते हैं, तो आप यहीं से वॉक करके आ सकते हो। ये है बागा बीच का जो फेमस शैक है सेंट एंथनीज। इसमें हम लोग ने लिया है ये पहला डिश जो है सी फूड डिश। ऑफकोर्स यहाँ का जो सिग्नेचर डिशेज है ये जो है वो प्रॉन्स का डीप फ्राई है, लेकिन ये सेंट एंथनी स्पेशल स्टाइल है, तो डिफरेंट है। इट्स काइंड ऑफ अ फिश फिंगर, तो पूरा क्रम्बल्ड होता है एकदम डीप फ्राइड। ये जो है वो फ्राइड राइस है और चिकन फ्राइड राइस लिया है हम लोग ने। इट्स वेरी गुड, डिफरेंट, टेस्टी। अगर आप मुझे पूछते हो तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी आपको कि आप ये प्रॉन्स गोल्डन फ्राई या सेंट एंथनी स्पेशल फ्राई के लिए जाओ, उससे अच्छा आप नॉर्मल प्रॉन्स फ्राई ट्राई कर सकते हो, वो ज़्यादा अच्छा होगा। ये पूरा जो है वो ब्रेड क्रम्बल्ड होता है और ये दिया गया है मेयो सॉस के साथ। खाने में अच्छा है, लेकिन आप अगर मैं रेकमेंड करूँ तो उसके बाजू में ही ब्रिटोस है जो वन ऑफ द मोस्ट फेमस शैक है इन बागा अलॉन्ग विद द सेंट एंथनीज। तो वहाँ पे एक ऑप्शन है जो है प्रॉन्स स्टफ्ड विद क्रैप्स या क्रैप्स स्टफ्ड विद प्रॉन्स, ऐसा कुछ जो सबसे बेस्ट है, तो आप वहाँ पे वो ट्राई कर लेना। यहाँ का आप स्किप करके कुछ अलग प्रॉन्स का डिश टेस्ट कर सकते हो। चिकन फ्राइड राइस, बहुत सारा एग चिकन, इट इज़ गुड, बट अपना मुंबई में जो चाइनीज़ खाने का वो टेस्ट है वो मुझे उतना गोवा में शैक्स पे वो सेम टेस्ट नहीं मिला। अदरवाइज इट्स गुड टू गो।
क्वांटिटी भी अच्छी है, क्वांटिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि शैक्स में जैसे सारी चीज़ें स्पेशली स्टार्टर्स हो और स्पेशली सी फूड डिशेस हो, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो अगर कंपेयर टू दैट चाइनीज़ इज़ चीपर। ये हमने लिया रेड स्नैपर का रवा फ्राई। तो गोवा में रेड स्नैपर जो है एक बहुत फेमस फिश है, ये पूरा का पूरा जो फिश रहता है उनका लाइक 1,000, 1,500, 1,200, 1,300 रुपीस के रेंज में रहता है, डिपेंडिंग ऑन द साइज़। वो लोग आपको पहले आके रॉ फिश दिखाएंगे कि ये साइज़ है, और उसी को वो लोग फ्राई करके आपको दे देंगे। जिस भी फ्राई, जिस भी वैरायटी में आपको चाहिए, रेड मसाला हो या रवा फ्राई हो या रशेदो मसाला हो, जो भी मसाला आप पूछोगे उस हिसाब से। मैं तो प्रीफर मोस्टली रवा फ्राई करती हूँ, दैट्स वाई मैंने रवा फ्राई लिया इसमें, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बट अकेले के लिए अगर आप बोलते हो कि दो जन खा रहे हो, तो ये फिश थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि दो जन के लिए इतने सारे फ्राई मिलते हैं। आप देख सकते हो कितने सारे पीसेस है इसमें, ऑलमोस्ट 10 पीसेस है इसमें, तो एक जन को पाँच पाँच छः छः पीस खाना थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आप तीन जन आते हो, तो इतना बड़ा जो 1,200, 1,300, 1,400 का रेड स्नैपर मिलता है, वो आप लेके खा सकते हो। तीन से चार जन रहते हैं, तो दो जन के लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो मैंने इसे थोड़ा पार्सल करके ले लिया। ये देखो, ये साइज़ है एक पीस का, ऐसे 10-11 पीसेस थे। अगर आपने पूरा फिश फ्राई देखा, तो पूरा फुल होल फिश है वो, स्पाइसेस वेरी गुड, मसाला मैरिनेशन पूरा प्रॉपर है। उन लोग ज़्यादा टाइम लेते हैं ऐसा स्पेशल सी फूड बना के देने में, तो उतने टाइम में उनका टेस्ट भी अच्छा रहता है। तो सेंट एंथनीज इज़ मोस्ट फेमस शैक। अगर आप गोवा आते हो स्पेशली बागा बीच, देन डू विजिट सेंट एंथनीज एंड ब्रिटोस। दिस इज़ माई रिकमेंडेशन फॉर बागा बीच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट ऑन द लाइक बटन, एंड फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़ स्टे अपडेटेड टू माई चैनल। टिल देन एवरी वन स्टे सेफ, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे।